हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एक्सप्लोर द वेस्ट। तो आज आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ मेरे ब्लॉग में राइडिंग गियर्स के बारे में। तो जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट राइडिंग गियर होता है वो अपना होता है हेलमेट, सेकंड आता है राइडिंग जैकेट, और यू काफ़ी सारे आते हैं, नी गार्ड होता है आपका, ग्लव्स होते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो राइडिंग जैकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास तभी मैंने परचेस करी है स्ट्रीट विन ब्रांड की रॉयल इनफील्ड से। तभी मेरे पास में वो स्ट्रीट विन ब्रांड की रॉयल इनफील्ड की जैकेट कुछ इस टाइप से उन्होंने मुझको कैरी बैग में दी है वहाँ से। तो ये स्ट्रीट विन ब्रांड है, लेवल टू का जैकेट, लेवल टू के आर्मर्स लगे हुए इसमें शोल्डर और एल्बो पे, लेवल वन का बैक पे लगा हुआ है। तो ये जो मैंने ली है, ये ली है रॉयल इनफील्ड कृष्णा मोटर इंदौर, जो नौलखा के थोड़ा पहले GPO आता है वहाँ पे है। तो आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, रॉयल इनफील्ड के वेबसाइट्स हैं। तो एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप से है ये, क्या क्या और आर्मर जो इसमें बताया मैंने लेवल टू आर्मर वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनका क्या फ़ायदा रहता है और क्या इसके प्राइस है ये भी बताता हूँ। वैसे इसका प्राइस 5,000 रुपीज़ है, बट डिस्काउंट मिल जाता है, अलग अलग डिस्काउंट वेबसाइट पर देख लो, शोरूम भी अवेलेबल कराया था। तो ये रॉयल इनफील्ड का कैरी बैग है, इसके अंदर जैकेट है। जल्दी से इसको ओपन करके अब बताता हूँ मैं आपको, 2 मिनट में इसको ओपन करता हूँ और अच्छे से पूरा समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, आर्मर है, कैसे आर्मर है, ये सारे बता। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द स्ट्रीट विंड जैकेट जो मैंने बताया अभी आपको। एक बार पास चल के इसको दिखाता हूँ कि ये कैसी है, पहले इसको देख लो कि एक्चुअल में राइडिंग जैकेट दिखती कैसी है, इसके बाद बताता हूँ ये इसमें क्या क्या अलग रहता है, राइडिंग जैकेट क्यों ये राइडिंग जैकेट होती है, क्या क्या प्रोटेक्शन है ये। तो इसको पहले ध्यान से देख लो कि ऐसी दिखती है राइडिंग जैकेट, ये दिख रहा है ये इधर इस तरफ, ये शोल्डर दोनों ये थोड़े फूले फूले ऐसा लग रहे होंगे, एल्बो फूले हुए ऐसा लग रहे होंगे दोनों, बैक साइड पर या आगे थोड़ा सा मैश दिख रहा है। ये सब एक रीज़न की वजह से बनाया हुआ है इसमें, ये बनाई हुई है जो भी एक रीज़न है, कुछ प्रोटेक्शन रीज़न होते हैं उसकी वजह से बनाए हुए हैं। तो इसको एक पास चल के दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से एक बार, और इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है इसकी, क्यों ये लेवल वन लेवल टू प्रोटेक्शन के साथ में आती है और क्या ये प्रोटेक्शन होते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो सबसे पहले ये स्ट्रीट विंड V2 इस जैकेट का मॉडल, और ये रॉयल एनफील्ड इसको जो ब्रांड कर रहा है, स्ट्रीट विंड इसका मेकर है स्ट्रीट विंड, और ये V2 इस मॉडल जैकेट का मॉडल है, और रॉयल एनफील्ड पे ये बिक रही है। स्ट्रीट विंड ये वाले मॉडल सिर्फ रॉयल एनफील्ड के लिए बना रहा है यहाँ पे, इसीलिए रॉयल एनफील्ड की एक ब्रांडिंग दी हुई है उन्हें यहाँ पर, और इधर यहाँ पर भी दिया हुआ है, बैज लगा हुआ है। तो ये है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ सबसे पहले क्वालिटी, तो क्वालिटी तो मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बट हाथ लगा के जो फील होता है अच्छा क्वालिटी समझ में आती है। एक कोर्टेक्स लगा हुआ है, पॉलिस्टर जैसे ये कपड़ा आता है वो यहाँ पे ऊपर तरफ जितना भी मोटा मोटा पोर्शन दिख रहा है ये कोर्टेक्स का है, कोर्टेक्स का बना हुआ एक कपड़ा आता है, वो सेफ रहता है, गाड़ी गिरने पे एकदम फटता नहीं है। और इसके अंदर ही यहाँ पे लगे हुए हैं आर्मर, ये आवाज़ आ रही होगी आपको, लेवल टू आर्मर इस तरफ भी लगे हुए हैं, एक बैक साइड पे लगा हुआ है वो भी दिखा दूँ आपको। और ये जो है ये मैश है, जो नेट आती ना उस टाइप की मैश, ताकि आप इसको समर में भी आराम से राइड कर सको, गर्मी नहीं लगे आपको। और इसमें वेट है, अच्छा खासा वेट है, लाइट वेट नहीं है ये। तो ये तो हो गई इसकी मेन चीज़ों की बात, अब इसके थोड़ा सा और फीचर्स बताता हूँ। ये फीचर फुल आती है पूरी जैकेट जल्दी से, मतलब जैसे ये दो चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पे, ये क्यों आती है, ये चीज़ क्यों आती है, ये क्यों आती है, दिखाता हूँ एक बार अच्छे से इसको, पूरा ओपन भी करता हूँ और अंदर आर्मर भी दिखाता हूँ। इसका मॉडल और इसका ब्रांड देखने के बाद अब मैं आपको अंदर कुछ दिखाता हूँ, ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी इसमें लिखी हुई है, यहाँ पर दी हुई है, इसके जो साथ में आया है ये मैनुअल लगा हुआ, ये प्रोटेक्शन जो है नॉक्स का प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसमें, आर्मर भी बोलते हैं जिसको वो, ये शोल्डर का है, इसी टाइप से सारे डिफाइन है। ये इसका प्राइस लिखा हुआ है इस पर 4950, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 ही है, बट मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था, आप भी एक बार वेबसाइट पर चेक करना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इसके फैब्रिक, जो फैब्रिक लगा हुआ है उस ब्रांड का नाम है MST समथिंग कुछ लिखा हुआ है, और लीजो टेक्सटाइल यहाँ से बनता हुआ है। और ये अपना जो आर्मर है उसके 5 ईयर की वारंटी आती है, ये वारंटी कार्ड है इसका जो आर्मर इसमें लगे हुए हैं। तो अब एक बार डायरेक्टली है ना इसके आर्मर दिखाता हूँ और इसके फीचर्स बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ब्लॉक को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ मैं इसको। पहले तो इसमें ये अपनी जो स्लीव्स आती है उसको टाइट और लूज़ करने के लिए ये वेलक्रो के साथ में दिया हुआ है, स्ट्रिप्स दी हुई है, ये आपको टाइट और लूज़ एडजस्ट करने के लिए मिल जाती है।
इससे आप अपने स्लीव्स और अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। दोनों साइड रहती है यहाँ पे, वेलक्रो से लगी हुई है। फिर अगर मैं बात करूँ इसमें आपकी वेस्ट एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे दोनों तरफ दी हुई है, यहाँ पे वेलक्रो के साथ ही है, ये यहाँ पे भी दी हुई है। उसके बाद दो पॉकेट हैं यहाँ पे और यहाँ पे, अच्छे खासे पॉकेट हैं, स्पेस काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, मोबाइल फ़ोन कैरी कर सकते हो और ये हैवी भी है, मटेरियल भी हैवी है इसका। अब मैं इसके बैक साइड पे बताऊँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ ये लगी मेरे को, एक छोटा रिफ्लेक्टर, और ये लाइन रात में अच्छी खासी रिफ्लेक्ट करती है इसके स्लीव्स पे भी और ये बैक पे भी। और ये लगा पीछे इसका प्रोटेक्शन, लेवल वन वाला जो एक प्रोटेक्शन है बैक पे, वो ये लगा। और ये दोनों वेलक्रो यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आप आपका बैक और आपका जो टमी है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो ये प्रॉपर फिट हो जाती है इसमें। इसमें यहाँ पे अभी सी प्रोटेक्टर की ब्रांडिंग दी हुई है और एक और ब्रांडिंग दी हुई है, फैब्रिक वाली ब्रांडिंग दी हुई है इसकी, जिस फैब्रिक से बना हुआ है। अब जल्दी से इसको ओपन करता हूँ और अंदर से बताता हूँ इसको कि अंदर क्या क्या है। इसके जो इंटरनल पार्ट है, मेन पार्ट वही है इसके, जो लेवल टू के जो प्रोटेक्टर लगे हुए हैं इसमें आर्मर्स, वो इसके अंदर ही लगे हुए। खोल के जल्दी से बताता हूँ मैं आपको उसको कैसे दिखते हैं। इस जैकेट में प्रोटेक्शन के साथ साथ यूटिलिटी स्पेस भी इतनी भर भर के दी हुई है इसमें। अंदर देखो ये नेट वाले पॉकेट दिए हुए हैं, आराम से आपका फ़ोन अंदर फिट हो जाएगा या आपका और कुछ सामान रखना हो ये फिट हो जाएगा इसमें। तो काफ़ी अच्छी भर भर के दी हुई है स्पेस इसमें। रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग फिर से यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे इनके प्रोटेक्टर्स की ब्रांडिंग, नॉक्स प्रोटेक्टर जो आर्मर लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे देखो इस टाइप से पॉकेट बने हुए हैं, जो शोल्डर का आर्मर है ये वो ही रहा वो, तो ये आर्मर इसके अंदर लगे रहते हैं इस तरफ दिख रहा हूँ आपको। तो ये इस पॉकेट्स में से निकल भी जाते हैं, सेम इस साइड भी है यहाँ पे, इनमें से इसको निकाल भी सकते हो आप और वापस रख सकते हो, वॉशिंग के टाइम निकाल सकते हो। यही भी प्रोटेक्टर प्रोवाइड कराते हैं आपको, प्रोटेक्शन जो है सेम इसका भी है, ये भी अंदर से रहता है। और ये आपका जो बैक वाला आर्मर है, वेलक्रो लगी हुई है यहाँ पे, जो लेवल वन का है ये इसके अंदर दिख रहा हूँ आपको, तो ये वाइट कलर का, ये भी निकल जाता है, रिमूवेबल है ये। नेक्स्ट ब्लॉग में इसको निकाल के रख के पूरा बताऊँगा मैं आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं बनाऊँगा। तो ये तीनों आर्मर से इसके यहाँ पे दिख गए होंगे आपको। नीचे ये जो दो हुक दिख रहे हैं, ये जो आप राइडिंग पैंट पहनते हो उसको होल्ड करने के लिए रहते हैं, ये वो इसके साथ होल्ड हो जाता है। और ये वही कोर्टेक्स वाला मटेरियल इसका, तो ये है इसके अंदर। और एक बार और देख लो आर्मर, एक आर्मर निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है इसमें, निकल भी आता है इजीली, निकल जाता है इजीली, लग भी जाता है, ये रहा ये रहा, ये नॉक्स का। इन आर्मर्स का काम एक्चुअली ये रहता है कि बाय चांस अगर आप गिरते हो गाड़ी से तेज स्पीड में या कम स्पीड में, तो ये जो है ना ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं, काफ़ी हद तक शॉक आपका झेल लेते हैं। और आपके शोल्डर, आपके एल्बो, यही बेसिक मेन पार्ट्स रहते हैं, शोल्डर एल्बो, यही मोस्टली बाइक से गिरने में टकराते हैं ज़मीन पर। और आप हेलमेट तो आपका करते ही है गार्ड आपका सर का, तो जो आपका बॉडी पार्ट्स रहता है ये प्रोटेक्ट करता है उसको, इम्पेक्ट नहीं आने देता। ये फ्लेक्सी फॉर्म कुछ ऐसा लिखा है मटेरियल इसका, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मतलब अच्छी है, मेरे को तो अच्छी लगी। 5,000 रुपीज़ में मतलब इतना सब कुछ मिलना किसी जैकेट में पॉसिबल तो है, बट क्वालिटी यू तो मिल जाता है। बाकी ये ब्रांड काफ़ी अच्छा बना रहा है, स्ट्रीट विन जो ब्रांड बना रहा है। और बताता हूँ इसको मैं अंदर चल के। और ये बैक वाला फॉर्म तो देख ही लिया आपने, जो बैक पे इसके अंदर और क्या क्या है, एक बार ऊपर से इसमें जिप और इसके फैब्रिक को एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। ये जो इसमें जिप लगी हुई है, ये जिप की वारंटी है 5 ईयर्स की, ये जिप ख़राब नहीं होगी ना टूटेगी। और इसके जो वेलक्रोज हैं ये भी अंडर वारंटी है इसमें, सारी जिप्स और ये सारे वेलक्रो जो लगे हुए हैं इसमें ख़राब नहीं होंगे, पानी में भी ख़राब नहीं होंगे, ड्राई क्लीन करवाना है, बारिश में भीग जाए तो भी ख़राब नहीं होंगे ये। अब ये जो रेड कलर की इसमें फैब्रिक लगा है, ये आपका कॉटन टाइप का फैब्रिक है, ताकि आपके जो नेक होती है वो छीले नहीं, क्योंकि ये है पॉलिस्टर, ये थोड़ा सा रफ मटेरियल आता है शॉक वगैरह झेलने के लिए, बाई चांस आप गिरते हो, अगर ये नेक पर डायरेक्ट टच होता, अगर ये रेड वाले की जगह ये लगा होता कॉटन की जगह, तो आपकी नेक डैमेज होती, पक्का यहाँ पे रगड़ लगती है आपको। तो इस बात का यह काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है ये लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये थी रॉयल एनफील्ड स्ट्रीट विंड V2 मॉडल की जैकेट जो मैंने परचेस करी है हाल ही में। 5,000 रुपीज़ इसकी MRP है। अगर इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है तो आपको इसी प्राइस में मिलेगी, और अगर कोई डिस्काउंट इस पर चल रहा होगा रॉयल एनफील्ड की साइड से, तो आपको इसमें वो डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। आप मेरे चैनल का नाम बता सकते हो, एक तो वहाँ जाके आपका जो कृष्णा मोटर है वहाँ पे एक्सप्लोर द वेज,
वहाँ से देख के आए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको छोटा मोटा डिस्काउंट और मिल जाए वहाँ पे। अदरवाइज आप इसकी वेबसाइट पर सर्च कर लो, इसको वहाँ से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो और बाकी किसी भी डीलरशिप पे जाके इसको ले सकते हो। तो वो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये जैकेट कैसी लगी और इसको परचेस करोगे या नहीं करोगे। अगर सेफ्टी चाहिए आपको बाइक चलाते टाइम लॉन्ग रूट पे, छोटा रूट या लॉन्ग रूट कोई सा भी रूट हो, सेफ्टी तो नेसेसरी है। वहाँ पे गिर तो कहीं भी सकते हो, इसको पहन के गिरोगे तो लगेगी कम, लगने के चांस काफ़ी कुछ कम हो जाएंगे हाथ पैर डैमेज होने के। तो बताओ जल्दी से कैसी लगी जैकेट। और अगर इसके अलावा किसी और राइडिंग गियर पे वीडियो चाहते हो तो वो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे को, उस राइडिंग गियर पे भी वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो जल्दी से जल्दी।